मैं बहुत एक्साइटेड थी उस भूमि को देखने के लिए, कि वही बात है कि एक टाइम था जब अब्राहम लिंकन की माँ ने भी कहा था कि बेटा इंडिया जा रहा है तो हल्दी घाटी की वो मिट्टी लेके आना, बिल्कुल एक बिल्कुल रियलिटी है भाई। अब्राहम लिंकन की माँ ने ये कहा था कि चित्तौड़गढ़ उस हल्दी घाटी की मिट्टी लेके आना जहाँ पे महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था, मैं भी तो देखूं कैसा था वो शेर और कैसी वहां की मिट्टी है। तो बहुत अच्छा लगा, वो शूरमा, वो महाराणा प्रताप जिसके सामने अकबर भी कांपते थे और कहते थे कि रात को कोई भी आके महाराणा प्रताप का जिक्र मत करना जी वरना रातों की नींद मेरी उड़ जी जाएगी। तो बिल्कुल मैम, जैसे रोकना चाहूंगा क्योंकि अकबर जीते जी कभी राणा प्रताप के सामने नहीं आया था। नहीं, उसने जब बिल्कुल भी अपने ऐसे कोई अभ्यास रखे युद्ध से संबंधित, तो उन्होंने अपने प्यादे भेजे थे लेकिन खुद कभी नहीं आया था। सही बात और है। देखो अकबर ने पूरा भारत जीत लिया था पर मेवाड़ की भूमि में आने से डर गया था, उसको जी पता जी था कि जी वो 7.5 फुट का वो योद्धा खड़ा है जी ना। जी तो बहुत खुशी हुई, प्राउड है ऐसे ऐसे वीरों के ऊपर। जी जी धन्यवाद भाई। जी बहुत अच्छा लगा मैम से। मैम बड़ा ही चर्चित चेहरा है, आपका नाम रोनी रमन, और आप इंस्टा पे तो लंबे समय से काम कर रहे हैं और आप यूट्यूब पर भी है, तो आप मैम को अवश्य फॉलो करें। आप बड़ा ही बुलंद आवाज और जो अभी जो समय जैसा चल रहा है उसमें जो कमियां होती है उनको फिल इन द ब्लैंक्स विच वाला काम मैम करती है। और भाई जी मैं बीच में रोकूंगी, आपने जी फॉलो करने वाली बात कही ना, जी मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है नहीं मैम, भाई। आपको वैसे जरूरत हाँ नहीं पड़ती बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैं भाई जुड़े हुए हैं ना, जी, क्योंकि हम तो ये खुद एक देशभक्त है और आप सबको पता होगा रोनी बहन के साथ कोई जुड़ेगा जी तो वो खुद एक कट्टर देशभक्त होगा, बिल्कुल बिल्कुल तो आप भी एक देशभक्त और जी मुझे जी 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 देशभक्त तो भाई जी ये परिवार चीज कहने चाहिए। की और है जरूरत ना, नहीं है। तो जी बस जुड़े रहना भाइयों, बाकी आप सब इतना प्यार करते हो और दिल से धन्यवाद। थैंक यू।